मैं भोला पर्वत का रे तू रानी मेला की तेरी मेरी पार पड़े ना। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में जरूर बताओ कैसे हैं आप लोग। सो मैं हूं अभी देवों की नगरी हरिद्वार में। सो मैंने क्या बोला था कि पूरे अप्रैल भर में बहुत सारे ट्रैवल होने वाले हैं, बहुत सारा एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। सो आज है 26 अप्रैल और मैं खड़ा हूँ हरिद्वार पे और पीछे ही हमारी बस है। मैं पूरा स्टोरी आपको बताता हूँ। मैं कानपुर से हरिद्वार आया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ केदारनाथ में। तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ है और अपने आप में। तो अभी मैं खड़ा हूँ हरिद्वार में और मैं कानपुर से हरिद्वार का ब्लॉग क्यों नहीं बनाया उसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में सब एक्सप्लेन करके बताऊँगा। सो अभी मैं हूँ हरिद्वार में और ये बस से मैं जा रहा हूँ सोनप्रयाग तक। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और अभी जिस बस निकलेगी और शाम को 7 बजे तक हमको पहुंचा देगी सोनप्रयाग। तो चलो गाइस, बाकी अभी चलते चलते बहुत आप लोगों से बातें होंगी, तो चलो निकल। सो हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए और अभी बज रहे हैं सुबह एकदम एग्जैक्ट अभी बज रहे हैं 7 बजे। तो निकल चुके हैं यहाँ से और हर हर महादेव के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। हरिद्वार से तो हम लोग निकल चुके हैं और रास्ते में जो जो होगा एक बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे होंगे मैं सब आपको दिखाता हुआ चलूँगा। और मेरे साथ एक और कोई भी है। तेरे हाथ में छाले पड़ जाएंगे जद भांग मेरी तू घोटेगी, मेरे प्यार के रस में खो के तू सब हंसते उठेगी, मेरे भाग में लिखा काल कूट का जहर पड़ेगा पीना रे तू देख देख के रोवेगी, ओ जीना भी के जीना परिवार नहीं मेरा गाइज। अभी हम लोग रुके हैं देवप्रयाग में। सो हम लोग हरिद्वार से जब निकले थे तब सोनप्रयाग की डिस्टेंस थी 230 किलोमीटर और अभी देवप्रयाग से सोनप्रयाग की डिस्टेंस अभी बची है 140 किलोमीटर के आसपास। हेलो गाइज, चलो चल रहे हैं अभी तो यहाँ पे रुके हुए हैं, मस्त सब मिल रहा है। अभी कुछ खा पियेंगे फिर वापस से जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो भाई कुछ खा पी लें। सो अभी जिस रेस्टोरेंट में हम लोग रुके थे जस्ट ऊपर है इसके और यहाँ नीचे टॉयलेट करने आए थे और जस्ट सामने क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। यही मिल रहा है यहाँ पर और कुछ मिल रहा है कहाँ नहीं है। तो यही खा के जल्दी से बस में लौटना ही पड़ेगा। तो यही खाना है। मैं समझ सकूं सारी पीड़ा तेरे नैना की, क्यों भाग्य बने इस जीवन में तू काली रन्ना की, मैं भोला पर्वत का रे तू रानी मेला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक गाइस। अभी हम लोग पहुंच गए उखी मठ को, एक जगह है वहाँ पे स्टॉप है बस का थोड़ी देर का। सो अभी तक तो जर्नी ठीक ठाक रही और भाई ये बस बहुत घटिया है, रोडवेज वाली बस है ना, और यहाँ कोई ऑप्शंस भी नहीं है ज़्यादा कि आप अपने हिसाब से आप बस बुक कर सकते हो, यही एक ऑप्शन है, ऐसी बस होती है। तो भाई बहुत ही घटिया बस है और इतनी जर्किंग क्या बताऊँ। सो अभी रुके हम लोग जस्ट थोड़ी देर के लिए,
यहाँ से सोनप्रयाग का डिस्टेंस और रह गया 50 किलोमीटर के आसपास। देखते हैं अभी क्या होता है। जस्ट सामने एक फॉल है यार, यहाँ की ब्यूटी के मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा और शायद मेरा कैमरा भी नहीं कर पाएगा, सो थोड़ा एडजस्ट करना आप लोग, कुछ कह नहीं सकते मैं इस चीज़ को। ये फ्लोइंग वाटर है भाई, कितना सुकून मिलता है ये सब देख के यार, जो हम लोग जिस जगह पे रहते हैं उसके बाद तो ये सब जगह हेवन ही है। बस पहुंच जाए अच्छे से, और कल सुबह सुबह हम लोग को ट्रैक भी स्टार्ट करना है तो उसके लिए थोड़ा मेंटल प्रिपरेशन भी चाहिए। सो चलो, और अभी बज रहा रात के 8 और हम लोग पहुंच गए थे सोनप्रयाग शाम के 7 बजे ही, पर होटल ढूंढने में, और हमने सोनप्रयाग में होटल ले लिया है। सो आने आने में थोड़ा सा बहुत लगेज वगैरह भी था और डार्क भी हो गया था तो मैं ज़्यादा कुछ उसके बाद दिखा नहीं पाया। सो ये जो रूम लिया है भाई, यहाँ पे भाई मतलब बिल्कुल जो लो स्टैंडर्ड के रूम है ना वो भी इतने महंगे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं आपको जस्ट एक रूम टूर दे देता हूँ। हमने जो रूम लिया यहाँ पे ये है रूम, ठीक है, कुछ ये रूम है और इधर बाथरूम है ना, बस इतना। इसके लिए आप गेस करो कितना उन्होंने चार्ज किया है, मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ कि इतना कैसे हो सकता है। सिर्फ इतने के लिए ये बोल रहे थे 3000, तो कैसे तैसे मैंने इनको 2500 तक में मनाया है, बट तब भी बहुत कॉस्टली लगा मेरे को इस कैटेगरी के हिसाब से। बट क्या कर सकते हैं, अभी रात भी हो गई है और वैसे मैंने देखा भी यहाँ ऐसा मिलता ही है, बट फिर भी अचानक से ऐसे इतना महंगा, और यहाँ काफ़ी ठंड भी है, बर्फ़ के पहाड़ दिख गए हमको रास्ते में ही। सो चलो गाइस, अभी मेरे को थोड़ा बहुत काम भी है, GoPro को चार्ज भी करना है, बैटरीज चार्ज करनी है, कल सुबह ट्रैक पर निकलना है, और कल सुबह के लिए प्लीज़ आप लोग कमेंट में मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ने कर दिया होगा, नहीं किया तो फटाफट से कर दो, और कमेंट में ज़रूर मेरे को थोड़ा बहुत गुड लक वगैरह विश कर दो कल सुबह के लिए। कल सुबह 3 बजे से हम लोग का ट्रैक स्टार्ट होगा। सो इस ब्लॉग को करते यहाँ पे एंड। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको मालूम है क्या करना है। सो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे कल सुबह। चलो बाय बाय, हर हर महादेव।